Zara. अच्छी लग रही है। अरे जुनेद, मैं आप ही को कॉल मिलाने लगी थी। आप कहाँ रह गए थे? सब मेहमान आपका पूछ रहे थे। जरा मम्मी को सेटल करने गया था। भाई बजे थे कि मैं नीचे जाऊंगी। ओके ठीक है। वो वैसे आपको आज भी उनकी इतनी फिक्र लगी हुई है जबकि घर में एक दावत चल रही है। खैर अच्छा किया, दवाई वगैरह दे दी ना। हाँ हाँ दीदी। चले आए, मिस्टर एंड मिसेस जुबैरी आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये कितनी अच्छी है। फातिमा की हेल्ला में कितनी मोटी आई हूं। नहीं लेकिन आप क्यूट लग रही हैं। आपका मेकअप कितना अच्छा हुआ है। और ये कलर तो बहुत सूट कर रहा है आपके ऊपर। और ये देखिए ये वाली पिक्चर कितनी मजे की है। वैसे बूबी पप्पू आपकी ड्रेस का जो कलर है ना ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। उस तस्वीर तो मैं कैसी ली है। ये मजे की तस्वीर मैं ग्रुप पे डालने वाली हूं। बट आई लुक सो फैट। माशाल्लाह हाशिम कितना हैंडसम लग रहा है। हाँ तो देवर किसका है? हाशिम भाई तो डैशिंग बंदे है। ये सारा को देखें, हर तस्वीर में मुंह बस हो रहा है। वैसे लग रहा है ये कल रुखसत होने वाली है। पता नहीं क्या हो गया। देखिए एक तस्वीर में भी नहीं मुस्कुरा रही। ये देखें मामा, ये देखें। हाँ ये तो लग तो कितनी प्यारी लगी है। बालियां देखो कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन मुस्कुरा नहीं रही, पता नहीं। अच्छा ये छोड़े, आप ये चेक करें, आप सिर्फ ये देख ये जो पिक्चर आ गई। ये तो डाला ना सर। हाँ 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 बिल्कुल। ज़ारा जी क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। कुछ दिनों में रुखसत हो जाएगी ना, सोच के उदास हो रही है। आज ये देखिए, ये बहुत प्यारा। What a beautiful couple ना। Very nice माशाल्लाह। मैडम अंदर चले? नहीं अभी मुझे और शॉपिंग करनी है। मैडम सारी शॉप्स बंद हो गई हैं। गुड मॉर्निंग मिस ज़ारा। मैडम मिस ज़ारा, मैडम इनकी शादी होने वाली है। मुबारक हो तुम्हें। तुम भी यहीं रहती हो लंदन में? मैडम ये आपकी पोती है जिनकी शादी होने वाली है। जब मेरी शादी होने वाली थी ना तो मैं भी वहीं रहती थी। ये लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे मेरे कजिन के साथ। मैं भाग कर लंदन आ गई। तुम भी अपनी शादी से भाग कर आई हो लंदन? बहुत प्यारी जगह है, बहुत पसंद है मुझे। Very romantic. अब ये मेरी शादी भी नहीं करवा सकेंगे जबरदस्ती। मैडम अब हम अंदर चलें। आपकी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। ओके मिस ज़ारा, हैव अ गुड डे। सरप्राइज देने की भी आदत नहीं गई। 4 साल हो गए भाई, बहुत होते हैं। मेटालिक हो जाता है इंसान। पूरी लाल हरा, कैसा टेस्ट हो गया आतिफ का। कैसे कपड़े पहनता है? अमेरिकन बदबू आ रही है कपड़ों से।
जब भी कोई लड़की मुंह नहीं लगाती होगी। अरे धोखेबाज हसीना, बेवफा ढोला, दे दिया ना प्रेम में धोखा, कर ली ना मुझ गरीब को छोड़ के और समीर आयाज से मंगनी, जा देख लिया तेरा प्यार। तो और क्या करती, तुम तो चले गए परदेश पलटकर खबर तक ना ली, अकेली बेचारी लड़की दुनिया से कैसे लड़ती। मैं हार गई थी आतिफ, हार गई थी मैं। भूल गई ना तू, भूल गई मैं कैसे तुझे खत लिखा करता था, वो छुप छुप के हमारा मिलना उस अमीर ज़ादे के साथ। सब समझता हूँ मैं, मुझे तो पहले ही तुझ पे शक था। नो फर्स्ट कजन, ऐसा वैसा कुछ मत कहना, रोजा मकरू हो जाता। अच्छा मेरा रोजा लस्सी पराठे से रखा गया है, तगड़ा रोजा। तुम्हारी तरह कोई डाइट फैट से मैंने सहरी थोड़ी की थी जो बात बात पे मकरू हो जाए। ओ हेलो, दरअसल मेरी शादी होने वाली है इसलिए अपने हुस्न का ख्याल रख रही हूँ, वरना ये जो पराठे हैं ना कि मेरी ब्यूटी खराब कर सकते हैं। अरे वाह ब्यूटी क्वीन, बड़ा तूने लंबा हाथ मारा है, वो भी फुफो से भी बड़ी लॉटरी निकली है। कामरान फुफा का छोटा भाई केएन एंटरप्राइजेस का सीईओ, सुना है वो तो सूट भी लाख से कम का नहीं पहनते हैं। देखें हर जुमले के बाद माशाल्लाह बोला करते हैं। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, ये जो तुम लड़कियां हो ये मिनटों में शानदार लड़कों को कैसे फंसा लेती है? जी बस कभी गुरूर नहीं किया, सब अल्लाह पाक की देन। तो कब मुलाकात हो रही है उस अल्लाह की देन से? ओह आई एम सो सॉरी आतिफ, दरअसल वो जो है ना तुम जैसे छोटे मोटे म्यूजिशियन को मुंह नहीं लगाते। हाँ कोई बड़ी डील है तो बता दो, बुला लेते हैं। ऐसे की तैसी, और अगर बड़ी डील ना हो तो फिर बाहर चलो, रुखिताई बुला रही है। वैसे एक बात तो कंफर्म्ड है कि 4 साल में तू नहीं बदली बिल्कुल भी। वाओ कहां कहां बिजलियां गिरा के आ रही हैं, ब्यूटीफुल। बेगम हाशिम अपने फैक्ट्री के गुरबा में रमजान फंड तकसीम करके आ रही है। रियली दैट्स अमेजिंग, अभी से रिहर्सल शुरू हो गई, फिर कैसी रही आपकी मुलाकात? जैसे हमेशा होती है, बहुत अच्छी। अच्छा फिर तो मर मिटे होंगे रईस ज़ादे। हाँ ऐसे कोई चार्मर है ना हाशिम भाई, आप देख नहीं रहे इनकी तैयारी, रोज ऐसी बंठन के जाती है। तुम बताओ तुमने कितनी को मारा है वहाँ यूएस में? फाइव। अभी तो नेक काम ये होने वाला है कि आतिफ भाई को मौलवी साहब पढ़ाने आ रहे हैं। What? Don't tell me. जी हाँ, क्योंकि रुखी ताई ने कहा है बड़ा ही निकम्मा लड़का है आतिफ, 4 साल अब्रॉड में रहा है और एक दफा भी कुरान नहीं दोहराया उसने। मैडम उठिए, मैडम इफ्तारी का टाइम हो गया है। मैडम ओहो शब्बेदारी, यानी रात भर इबादत होगी। इबादत तो फौरा करें, कब से अस्पताल में दादी की पाइंती से लगी खड़ी हैं, बैठी तक नहीं है, बस चुपके चुपके दुआएं करती हैं और रोती रहती हैं। दरअसल फ्लोरा जो है ना वो दादी से बहुत अटैच्ड है, इसलिए उनकी औलाद से भी ज्यादा। हाँ बस मानूस हो जाने की बात है। यानी कभी कभी ऐसे रिश्ते फोन के रिश्तों से भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। दरअसल फ्लोरा जो है ना वो खुद को जिम्मेदार समझती है दादा दादी की हर हालत का। उसको लगता है कि उसके होते हुए अगर दादा दादी में से किसी को भी कुछ भी हो जाए तो वो बहुत गिल्टी फील करती है, अपने आप को कसूरवार समझती है। कमाल की बात है, न मेरी न चाचा न बाबा की आंखों में आंसू, लेकिन फ्लोरा असल से बोल जा रही है। I know आतिफ, I know कि तुम क्या सोच रहे हो। दरअसल दादी ने बहुत एक्टिव जिंदगी गुजारी है, वो बहुत स्ट्रांग और बहुत डोमिनेटिंग औरत रही है, इसलिए। हालांकि कसूरवार तो हम सब हैं। Of course not, तुमने देखा नहीं कि पापा और ताया कितना ख्याल रखते हैं? दादी कभी कभी अजीब बातें करती हैं, रूड हो जाती हैं, लेकिन पापा और ताया उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं उनके। डॉक्टर डॉक्टर। यस सर। डॉक्टर मैं जकीउद्दीन शेख हूं।
कैसी हालत है उनकी? कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है ना? होश में है वो? अजीब अस्पताल है ये, मैं रात से यहाँ बैठा हूँ इस इंतजार में हूँ कि कोई बता दे वो कैसी है। I'm sorry, sir. मैं पूरे अस्पताल के अमले की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हमारी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं हेल्थ मिनिस्टर से शिकायत करूंगा। अरे नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। सुनो डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर आतिफ, यस डॉक्टर आतिफ, मरीज के साथ उसके रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब मैं रात भर से जानना चाहता हूँ वो कैसी हैं, कोई बताते ही नहीं। सर मैडम की हालत बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, स्टेबल हैं काफी। उनके कुछ टेस्ट करने हैं हमें, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, उसके बाद हम उन्हें घर भेज देंगे। अल्लाह का शुक्र है, गुड। मेरा तो नहीं पूछा था उन्होंने? पूछा था सर, इनफैक्ट होश में आते ही सबसे पहले आपका पूछा था, क्योंकि वो कह रही थी कि फ्लोरा उनके साथ है तो आप बिल्कुल अकेले होंगे। शी वाज वेरी अपसेट। कमाल करती है वो भी, मेरी क्या फिक्र है, मैं तो अच्छा बना हूँ, बिल्कुल फिट। आतिफ तुम आज नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए? तुम्हारे बाबा मुझसे पूछे थे कि तुम मस्जिद में ही नहीं नजर आए। लेट हो गया मामा, दादा के पास बैठा रहा, वो दादी की वजह से काफी परेशान थे, हम लोगों को एहसास ही नहीं रहा वो पूरी रात अकेले रहे, काफी अपसेट थे, तो बस मैं उनके पास बैठ गया। तो इस बात की वजह से तुमने फजर की नमाज कजा करना जरूरी समझा? मुझे तो लगा कि मैंने आज ही नमाज अदा की। इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है? अच्छा लड़का है। कहाँ मिले थे? लंदन में। लंदन बहुत रोमांटिक जगह है, जकी भी मुझे वहीं मिला था। हाँ, मैं पढ़ा करती थी और जकी पोलो खेलता था, बहुत हैंडसम था वो, आंखें बहुत खूबसूरत थी उसकी, बिल्कुल इस लड़के की जैसी। एक मैच में मिले थे हम दोनों। और फिर? फिर क्या, बस पीछे पड़ गया मेरे, हर रोज आकर मेरे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हो जाता था और मेरी रूममेट मुझे कहती थी जहां आ रहा वो देखो तुम्हारा शहजादा खड़ा है। इतनी शर्मिंदा हुई थी मैं। ये भी यही करता है क्या? लड़की के रूम में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताएं कि तुम इतना तैयार हो कि अस्पताल जाओगी? भाई वहां पे सीरियस पेशेंट्स मौजूद हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो क्या करोगी? हॉस्पिटल कौन जा रहा है? मैं और तुम। मैं सारा अवतार पैक करवा लिया, वहां पर हम दोनों दादी के साथ अवतार करेंगे। तुम जाओ आतिफ, मैं हाशिम के साथ उसके दोस्त के यहाँ अवतार पर जा रही हूँ। No wonder, आप इतनी तैयार होके जा रहे हैं। वैसे कुछ रहम किया करो आशिम बेचारे पे, आज तो बिल्कुल ही जान से हाथ धो बैठे हो, पता कैसे? थोड़ी एक्टिंग करके दिखा, ऐसे तुम्हारे साथ चलेगा बड़े गुरूर के साथ, और फिर एक फूल तोड़ेगा और तुम्हें पकड़ाएगा और कहेगा स्वीट हार्ट तुम इस फूल से भी ज्यादा हंसी। जी नहीं, वो ऐसा नहीं कहता। क्यों? क्या उसके सीने में दिल नहीं है? दिल में रोमांस नहीं? हाशिम के सर में सिर्फ दिमाग है और दिमाग में सिर्फ बिजनेस प्लान्स, दैट्स इट। ओह,
I see. Have a nice evening. By the way, हम पे तो रहम कर सकती हो ना, क्योंकि हमारे सीने में दिल भी है और दिल में अल्लाह मियाँ 29 रोजे हो जाएं इस दफा. मम्मा तो रमजान की वजह से ढोलकी नहीं करने दे रही. वैसे ज़ारा बड़ा कंपटीशन दिया है यार हाशिम भाई ने. मैं भी जब शादी करूंगी ना तो उनके जैसे लड़के से. पर उनके जैसे लड़का मिलना बहुत मुश्किल है. इंतजार में बूढ़ी हो जाऊंगी मैं. ज़ारा तुमसे ना मैं बहुत जेलस होती हूँ. कितनी लकी हो तुम. नादिया मैं तुम्हें कल कैसी लग रही थी. जबरदस्त लग रही थी. बहुत प्यारी लग रही थी. हाशिम भाई के तोते उड़ गए ना. हिल गए होंगे वो तो. बताओ ना उन्होंने क्या कहा. प्लीज 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 जल्दी से बताओ. मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया. और मेरे कान में कहा, सारा इस बंदी का ख्याल रखना. इससे हमारी खास डील चल रही है. तुम लोग बातें करो, मैं जूस लेकर आता हूं. फिर उस बंदे ने मेरी ड्रेस की तारीफ की. मेरी तारीफ की. वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हो. ये तुम डॉक्टरी में क्यों आ गए. तुम म्यूजिशियन होना चाहिए. बस सर, सुना है म्यूजिशियन बेचारा जो है ना भूखा मरता है. ना कोई लड़की लिफ्ट कराती है और ना ही शादी के लिए तैयार होती है. ये बात तो बड़ी अफसोसनाक है. चलो अच्छा किया तुम डॉक्टर बन. तो लड़की लिफ्ट कराती है ना. अरे कहाँ सर, अभी भी कहाँ लिफ्ट कराती है. हम गरीबों को कौन पूछता है. सारे तो अमीरजादों को पूछते हैं. अब देखे ना, ये लड़की भी लिफ्ट नहीं कराती मुझे. जरा समझाएं इसे. क्यों भाई, क्या बात. बस सर, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे. क्यों, ये इतना अच्छा लड़का है. शक्ल सूरत का भी बहुत अच्छा है. माउथ ऑर्गन तो बहुत ही अच्छा बजाता है. और क्या चाहिए तुम्हें. इसे वो चाहिए जो हर लड़की को चाहिए. एक बड़ा सा बंगला, 4-5 लंबी लंबी गाड़ियां, नौकरों की फौज, डायमंड के सेट, वो सब कुछ जो मेरे पास नहीं है. अब देखे ना, मुझ जैसे अच्छे खासे लड़के को छोड़ के ये मैडम कल एक अमीरजादे के साथ अफ्तारी करने चली गई थी. जरा पूछे आप. तो सर और क्या करती. क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए. बड़ा सा बंगला, लंबी लंबी कोई 3-4 बल्कि 5-6 गाड़ियां, नौकरों की ये फौज. प्यार है उसके पास. तुम्हारे पास है. बहुत खूबसूरत है. थैंक यू जैकी. आपकी तबीयत कैसी है. मैं ठीक हूं. मैंने जुनेद को बुलवाया है. वो आएगा मुझे लेने के लिए. मगर मैंने फ्लोरा से कह दिया है वो उसको पिछले गेट से लेकर आए. सामने वाले गेट से नहीं आने देंगे. छोटे बच्चों को इजाजत नहीं है ना हॉस्पिटल में आने की. तुम कैसे हो ओल्ड बॉय. और ये क्या, ये कौन सी शर्ट पहन ली तुमने और टाई भी नहीं लगाई. बहुत खैर जिम्मेदार हो रहे हो तुम. वो I'm sorry, वो नीली वाली लगानी थी. तुम भूल जाते हो जकी. कोई बात नहीं, it's okay. Sorry, मुझे याद नहीं रहा था. मुझे खादिम हुसैन ने याद दिलाया. आपको
मेरी वजह से चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया। ये क्या हो रहा है और ऐसे क्यों देख रहे हो? स्टॉकिंग, जासूसी कर रहा हूं तुम्हारी। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की गुंजाइश रहेगी? ये दुआएं मांग रही हो, छप्पड़ फाड़ के दिया तुम्हें ज़ारा ज़ुबैर अल्लाह ने। हसद बहुत बुरी बला है मिस्टर आतिफ जुनैद। I know. ऐसे एक बात बताऊं तुम्हें, सीक्रेट कन्फेशन है। जब मैंने देखा था ना वो तुम्हारे क्या नाम है उसका हाशिम को, तन बदन में आग लगी थी खुदा की कसम, बहुत ही जलसी हुई थी मुझे। ऐसे क्या देख रही हो शक भरी नजरों से? मेरी आंखों में देखो, ये रज, ये सुर्ख धागे, ये बेचैनी, ये गम, ये मायूसी, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता सारा। ड्रामा दिखता है और बस। एक सच्चे आशिक के जज्बात का मजाक उड़ाती हो तुम, अल्लाह पूछेगा गुनाह होगा तुम। मुझे तुम्हें किस चीज का काम है भाई, रमजान में सारे गुनाह बख्शवा लोगी अपने? मांगो मांगो, जितनी दुआएं मांगनी है मांगो, मेरे लिए भी मांग लेना थोड़ी सी। ये लो जी साहब जी, मुकम्मल हो गई आपकी शेर। अरे वाह, बिल्कुल यही यही है ना साहब जी जो बेगम साहिबा को पसंद है? ये हाँ, शायद। तुम बताओ खादिम हुसैन। साहब जी आप याद कीजिए ना, आप हमेशा उनके लिए यही फूल लेकर आते थे। और याद है एक दफा तो आपने माली से कहकर यही फूल उनकी खिड़की के नीचे भी लगवाए थे। Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. You're very nice. Pretty. Kya karu? Kya karu isko? Unko de do. Absolutely. Unhi ko de dein. Balki main aapko bata dun. Jaise hi wo ghar aaye na, aap unko fauran ye phool de dena. बल्कि जो दिल की सारी बात है वो भी कह दीजिएगा। क्या कहूँ मैं, बता दूँ जो जो भी दिल में है ना आपके वो कह दीजिएगा। जो मेरे दिल में है वो कह दो, घबराता हूँ। अच्छा नो प्रॉब्लम, आई कैन हेल्प यू विद इट। दे मुझे, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कह। हाँ मैं देख रहा हूँ, इधर आता हूँ। ये देखें, बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे अपने दिल की बात कहूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए आज मैंने सोचा कि हर दीवार गिरा दूं। दिल में है जो बात वो सब सुना दूं। जी जी कहिए ना। मैं जानता हूं कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, लेकिन मोहब्बत करने का हक तो हर एक को होता है। जी वो तो सबको होता है। राइट सो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? जी वो मामा से पूछ के बताऊं। आपको याद हो गया ना आपने क्या कहना है? कहाँ जा रही हो? हाशिम के साथ। ओह हाँ, तुमने तो वहां जाना था। चाची ठीक कह रही हैं, हाशिम से मिल लेना चाहिए तुम्हें। वैसे भी मैं दादा दादी को वापस लेके आ रहा हूँ ना। मैंने मैंने पिंकी से कह दिया है कि दादी के लिए साफ टॉवल्स रख दे और स्लीपिंग ड्रेस भी। खादिम हुसैन ने दादा को चेंज करा दिया। आई थिंक इट्स ओके, रिलैक्स।
तुम जाके हाशिम से मिलो। दादा दादी के मसलों में अपनी मुलाकात को खराब कर दिया। सॉरी आतिफ, तुम्हारे साथ जाने का प्लान बनाया था, एंड टाइम पे तुम्हें मना करना अच्छा नहीं लग रहा। नो वरी, मेरी फिक्र ना करो, मैं भी चला जाऊंगा किसी के साथ। अपनी उस हीरोइन को फिलहाल तो जाओ, तुम्हारा हीरो आ गया। देख क्या चले सारा, लेट्स गो। फिर किसी दिन तुम्हारे साथ भी कुछ प्लान करते हैं, यू नो, जस्ट फॉर चिट चैट। तुम तो खैर म्यूजिशियन हो यार, ऑलवेज अवेलेबल, मगर मेरे लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। यू नो, इतना बड़ा बिजनेस है और दिन भर की मसरूफियात और दिन ब दिन एक्सपेंड होता जा रहा है, और वैसे भी मुझे एक मिनट भी जाया करना बिल्कुल पसंद नहीं। यू नो, लाइफ का हर एक मिनट प्रोडक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम तो गैर फारिग लोग हैं। अगर आपके पास कभी अपने बिजनेस को बढ़ाने से थोड़ा सबक निकल आए तो बताइएगा, गपशप लगा के अच्छा लगेगा आपके साथ। श्योर, चले सर। अगर इसके पास एक मिनट निकल आया तो शायद देख ले तुम कितनी हंसी हो। जहां रहा he'll come back, cheer up। मैंने उसको रोका भी था, रुका ही नहीं। पता है उसकी बीवी उसको पकड़ लेगी, फिर आने नहीं देगी। जुनेद फिर से घूम जाएगा जकी, जुनेद चला गया, वो चला गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी कैंसर काफी स्लो है, इस उम्र में वैसे भी बीमारी जो है ना थोड़ी सुस्त पड़ जाती है। वो तो लकीली कुछ टेस्ट हो गए तो ये डायग्नोस हो गया, वरना तो अभी सिम्टम्स भी अपेयर नहीं हुए थे। देखो अब कब तक जीती हैं दादी, सो जाना चाहिए। कैसी रही तुम्हारी शाम कल? अमेजिंग, वंडरफुल। हाशिम बहुत अच्छी कंपनी है, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। चलो अच्छा। हाँ, सब बहुत अच्छा। फिर जी वो चिट्ठी लेकर मैं बेगम साहिबा को देने जाता था। खासा दूर बंगला था जी बेगम साहिबा के वालिद का, मुझे अल्लाह झूठ ना बुलवाए पूरा एक घंटा लगता था साइकिल पर। मगर उस वक्त तो खादिम हुसैन भी जवान था ना जी। बेगम साहिबा चिट्ठी पढ़ने के बाद जवाब लिख कर देती थी, उस वक्त तक मैं उनकी खिड़की के नीचे ही खड़ा रहता था। एक दफा तो कमाल हो गया जी, उस दिन उनके कुत्ते ने मेरी ये पिंडली पकड़ ली। फिर क्या हुआ? होना क्या था जी, चिट्ठी तो मैंने नेफे में उड़ा सी ली थी, फिर मैं जो भागा हूँ ऐसा भागा हूँ कि फिर आज तक वैसा नहीं भागा। साहब की इज्जत का सवाल था ना जी, और मेरा क्या है, बस 9-10 टीके लगवाए थे पेट में। वैसे सर जी एक बात तो बताएं, क्या लिखते थे मैडम को खत में आप? खादिम हुसैन क्या लिखता था? अरे वही जो लड़के लड़कियां आपस में प्यार मोहब्बत की बातें लिखते हैं। तो सर अभी लिखा करें ना आप, मैडम को जो आपने लिखने खत में लिख दें वो प्यार मोहब्बत की बात। अरे यार
चीटिंग है ये यार। आज से 4 साल उधर तक तो तुम इतनी हसीन नहीं थी, और उससे भी 4 साल उधर तक ये जो तुम्हारी नाक है ना थोड़ी सी टेढ़ी थी, और ये जो तुम्हारे गाल है ना ये जोर से ज्यादा छोटे थे, तुम्हारे कान जोर से ज्यादा बड़े थे, तुम्हारे दांत जोर से ज्यादा लंबे थे। ये इनकलाबे हुस्न कब बरपा हुआ, कब पलटी ये काया हा? और ऐसी हुस्न की देवी मेहरबान हुई कि मैं रोजाना अपने आप से कहता हूँ कि तुफ है तुझ पे आतिफ जुनेद तुफ। ऐसे परिचय को करवा दिया यार। क्या बात है भाई, क्या बात है। अमेरिका जाकर तो आपकी उर्दू बहुत ही अच्छी हो गई है। अरे मैडम ये अमेरिका नहीं, जब आप आती है ना हमारे सामने तो ये चमत्कार हो जाता है। वैसे अभी भी सोच लो, पानी सर से नहीं गुजरा। अगर चाहती हो तो मेरे बारे में छानबीन भी करवा लो। मेरी साबका और हालिया गर्लफ्रेंड दोनों से पूछ सकती हो, काफी शरीफ आदमी। अगर आपकी ये साबिका और हालिया गर्लफ्रेंड से आप फ्री हो चुके हैं तो हाशिम ने आज आपको इफ्तार पे बुलाया। अरे ये रकीब ने कैसा वार मारा है यार। क्या चाहता है, अपनी आंखों के सामने मेरे तड़पने का तमाशा देखना चाहता है। टाइम पर तैयार रहना, हाशिम वक्त के बहुत पंचुल है। एक्सक्यूज्ड। हाय मेरी भी कोई मंगनी करा दे। मैं तो इतना बिजी रहता हूँ काम में कि अक्सर याद ही नहीं रहता कि रोजा है। छोटे फारिग रहते होंगे, उनको रोजा शायद बहुत तंग करता होगा। शहरी से लेके अफ्तारी तक कुछ होता ही नहीं है करने को, न्यू फारिग पड़ा रहता हूँ। रियली बड़े लकी हो यार, मैं तो फारिग बैठ ही नहीं सकता, और छुट्टियों पर तो मैं यकीन ही नहीं रखता। संडे को भी काम करता हूँ, बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जी आती है। फारिग बैठ बैठ कर बोर नहीं हो जाते? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि काम करने से तो मेरी जान जाती है। बस पूरा दिन दिल चाहता है यूं ही फारिग बैठा, मेरा मतलब है पढ़ा रहा हूं। ऐसे ही कह रहा है, सारा दिन दादा दादी की ड्यूटी दे रहे हैं, बल्कि अक्सर रात में भी उन्हीं के पास होते हैं। क्यों नर्स कहां गए? आतिफ तुमने कोई नर्सिंग वगैरह का कोर्स किया है क्या? जी नहीं, अपनों का ख्याल रखने के लिए किसी भी किस्म का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं। ज़ारा अभी हम जब रास्ते से आ रहे थे मैंने तुम्हें एक लंबी वाली बिल्डिंग दिखाई थी, उसका 9th फ्लोर ले रहा हूँ अपनी कंपनी के हेड ऑफिस के लिए। वैसे तो हर किसी को लोग देते नहीं, लेकिन हमारी कंपनी की रेपुटेशन ही ऐसी है। तो फिर आप पूरी बिल्डिंग कब खरीद रहे हैं? यार तुम लोग रोजे रख रहे हो ना, बस दुआ करो एक दो चीजें पाइपलाइन में वो हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। सारा क्या हुआ? इंप्रेस हो गई है मैडम, दुआ करो बस एक दो काम है वो हो जाए उसके बाद। यार आतिफ ये म्यूजिक व्यूजिक छोड़ो, बिजनेस में आ जाओ। मेरे पास एक आध छोटी मोटी स्पेस है, तुम चाहो तो उसको ज्वाइन कर लो। और वैसे भी ज़ारा के इतने फेवरेट कजन हो, और तुम्हारा तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना, वरना इस बेकारी में तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन सब पैसे की बात है। और वैसे भी ये म्यूजिक वगैरह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट मनी, तो पैसा ही सब कुछ होता है। आप खा क्यों नहीं रही ज़ारा? ये इस जगह की सबसे मशहूर डिश है, सबसे महंगा रेस्टोरेंट है ये शहर का। भाई कस्टमर्स की जेब खाली करके भिजवाते हैं लोग। खा लो ना ज़ारा, हाशिम के पैसे जाया हो जाए, सुन नहीं रही? इट्स ऑल अबाउट मनी। यार वैसे पाकिस्तानी लड़कियों के भी बड़े मजे, शोहर दिन रात मेहनत करके कमाते हैं और ये सिर्फ खर्च करती हैं। अरे नहीं नहीं हमारी ज़ारा बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। ज़ारा कम ऑन बी अ गुड गर्ल, खा लो ना। सुना नहीं है तुमने, ये शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट, और अच्छी लड़कियां पैसे मेरा मतलब है किसी के पैसे जाया नहीं करती। जस्ट लीव इट ज़ारा, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दो, कुछ और ऑर्डर कर दो।
यहाँ पर और भी बहुत अच्छी और बहुत महंगी डिशेज हैं, राइट? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ दारा? मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं पार्किंग में हूँ, आप लोग आ जाइएगा। इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। क्यों छोड़ूं तुम्हारा हाथ? मैं तुमसे कल रात से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। उठ के चली जाती हो, मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है? सॉरी करना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मुझे कल गिरफ्तार की टेबल पे हाशिम के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आई नो आई शुड हैव बिहेव्ड मायसेल्फ, बट वुड यू प्लीज गिव मी अ चांस टू टॉक टू यू? बस हो गया या कुछ और भी रहता है? हाशिम बहुत अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो हर तरह का आदमी है, तुम उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारोगी? मटेरियलिस्टिक है, पैसा उसके लिए बहुत अहम है, एक मसरूफ बिजनेसमैन है, मेरे लिए भी वक्त नहीं है, राइट? अच्छा, इसीलिए तुमने कल ऐसी बातें की कि मुझे एहसास हो कि हाशिम मेरे लिए सही चॉइस नहीं है, मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकूंगी, और इसीलिए कल तुमने मुझे और हाशिम को जलील किया ताकि मुझे यह एहसास हो कि हाशिम से मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। देखो ज़ारा, मेरा कहने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मेरी बात बिल्कुल ठीक है। Try to understand, तुम उसके साथ कि मैं हाशिम से शादी ना करूं बल्कि तुमसे करूं, इसलिए ना क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ है जो मुझ जैसी लड़की को चाहिए। तुम लविंग हो, केयरिंग हो, इजी गोइंग भी हो, रोमांटिक हो, अच्छा गाना गा लेते हो, अच्छा बजा भी लेते हो, और तुम्हें पैसे से भी प्यार नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्यार कर रही हूं, आतिफ जुनेद से, जो 4 साल पहले ये कह के गया था US कि देखो ज़ारा, कजिन में तो हल्की फुल्की रोमांस होती रहती है, प्लीज यार सीरियस मत लेना इसे। और फिर अभी तो मैं जा रहा हूं, पता नहीं वहां की जिंदगी कैसी गुजरे, मुल्क बदलता है तो फीलिंग्स भी बदल जाती है, और तुम्हें तो कोई भी अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, मेरा क्या है, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, और हम कजन हैं, कजन का तो चार में खत्म हो जाता है, इसलिए मुझे भूल जाओ, यही कहा था ना सर आप? लेकिन मिस्टर आतिफ जुनेद, मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, प्लीज आउट ऑफ माय लाइफ, प्लीज। मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। तो आप उन्हें साफ साफ बता दें। क्या? वही कि आप वो नहीं है जो वो आपको समझती है। श्योर, अगर ये सुन के उन्होंने सर को रिजेक्ट कर दिया तो दादी का दिल टूटने से बच जाए। और सर ये तो डिपेंड करता है ना कि क्या आपको वाकई दादी से इतनी मोहब्बत है कि उनका दिल टूटने से आपको खौफ या तकलीफ, क्या आप भी दूसरे लोगों की तरह टाइम पास ही करें? मुझे सचमुच सचमुच उनसे बहुत मोहब्बत। तो फिर वो आपके सच को कबूल कर लेंगी। कितनी प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी है ना? ओके। क्या जरूरत है हाशिम को बुलाने की? उस दिन जो हुआ तुम्हारे लिए काफी नहीं था? दादा मैंने हाशिम को नहीं बुलाया, मां बाबा ने मेरा नाम लेके बुलाया उसको, और उस दिन जो हुआ था ना उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। सॉरी कह चुका हूं तुम्हें, दोबारा कहता हूं, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी। मैं होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें कोई इख्तियार नहीं कि तुम हाशिम से इस किस्म की गुफ्तगू करो, उसे नीचा दिखाओ।
या ये साबित करो कि मैं उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, या मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी। उसकी मेरी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कि वो जैसा है उससे वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सारा, ठीक है, सुन लिया मैंने, आइंदा ऐसा नहीं होगा, वादा करता हूँ मैं। थैंक यू कि तुमने वक्त निकाला। भाई जारा को मिलने और देखने का चांस हो तो वक्त निकालना ही पड़ता है। I don't know how to start. मुझे उस दिन के लिए मैं अपोलोजाइज करना चाह रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई अंडरस्टैंड। वो सारा से तो माफी मांग चुका था, मैंने कहा मैं तुमसे भी अपोलोजाइज कर। टेक इट इजी ब्रो, जस्ट भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, जस्ट फॉरगेट इट। और मैं समझ सकता हूँ कि जब तुम जैसे लोग अपने से ज्यादा कामयाब लोगों से मिलते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं, क्या हो ऑफिस में मेरा आके कोई छोटा मोटा यूनिट ज्वाइन कर लो। मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, इस बेकारी से तो तुम्हारी जान छुटेगी। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू आशा, वरना मुझ जैसे खोटे सिक्के को कौन ऑफर करता है। थैंक यू। एनीवे You guys carry on. I'll see you later. Thank you. बहुत खुशी हुई आप तशरीफ ले आए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। बहुत मेहरबानी। मैं जरा जल्दी में था। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बात यह है यार, वो यहाँ जो खातून रहती है ना, वो बार बार आपका तस्करा करती है। आपके उनसे कुछ करीबी रिश्तेदारी है क्या? मेरी वालदा है। अच्छा। यार एक और मसला है, ये जो खड़ा है ना मेरे पीछे, ये खातिम कहता है आपको अजीब अजीब बातें सुनाता रहता है, मुझे थोड़ा खिसका हुआ लगता है। मैं जरा जल्दी में था, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं होना है, फिर आऊंगा मैं। ओह फिर कब? बस एक बहुत जरूरी सी बात करनी है मुझे आपसे। वो आपकी वालिदा हैं, आपको कुछ अजीब भी लगेगा, लेकिन मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूं शादी का। वो कितना अच्छा लग रहा है इस पे झूमर। सोफिया भाभी वो क्या था गाना? मुझे तो वो गाना याद आ गया, अब बनो तेरी अखियां सुरमे दानी, बनो तेरा झूमर लाख कारे। अरे वाह, चश्मे बदूर पोपी, हमारी दुल्हन तो बहुत प्यारी लग रही है। चंदे आफ्ताब चंदे महताब, कहीं हमारी नजर ना लग जाए आपको। वैसे हमारा हाशिम भी ना लाखों में एक है। वो तो है। अरे चाची उदास क्यों हो रही हैं? इसने जाके कौन से प्रदेश चले जाने, इधर ही रहेगी ना आपके पास। अगर आपने रोना है तो मेरे लिए रोएं, मैं जाऊंगा ना बाहर, अकेला होऊंगा वहां पर, कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं होगा मेरा। देखिए जरा आती को, कितना इसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, इस तरह की बातें कर रहा है ताकि इसके लिए भी हम एक लड़की ढूंढ लें। एक्सक्यूज मी, यानी अब मुझ पे ये वक्त आ गया कि आप लोग मेरे लिए लड़की पसंद करेंगे? वाओ। आती पकड़े गए ना तुम, मुझे लगता है तुमने कोई पसंद कर ली अपने लिए, है ना? पसंद तो कर ली है मैंने। इसका तो मतलब है हम जारे के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर देते। कौन है वो लकी गर्ल? मिलवाओ तो, दिखाओ तो हमें भी प्लीज। मिलवा ही तो नहीं सकता आपको, रूठ गई है मुझसे वो। तो मना लो, रूठ गई तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है, राजी करो उसे। पोपी बड़ी कोशिश की है, बहुत मनाया लेकिन मानती नहीं है वो, मैं क्या करूँ अब। अरे तो दफा करो, इतनी नखरे वाली है,
तेरी लड़कियां पड़ी हैं खूबसूरत खूबसूरत। अरे चाची नहीं दफा कर सकता ना, बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। Oh, so my nephew is in love. Good news. अरे जारा बेटा, हाशिम को फोन करो, आज उसकी अचकन की ट्राई है। Oh, sorry. जाना था आपने? Right, this way, please. सड़ी रहती है यार। मैं जानता हूँ जारा कि मुझे माफी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे इस चीज का अंदाजा भी है कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। बीच रास्ते जो तुम्हें छोड़ के चला गया था मैं, मुझसे तो नफरत करने का भी हक नहीं है तुम्हें जारा, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया था उससे। लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करता। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने अमेरिका चला गया था। सब कुछ तुम्हारे सामने है, कितनी मुखालफत थी मेरे साथ, कितना प्रेशर था मेरे ऊपर। मुझे अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं था। मैं तुम्हें किस चीज की श्योरिटी देता जारा? मैं तुम्हें क्या बताता? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ खुश भी रह सकोगी कि नहीं रह सकोगी। मैं क्या करता बताओ मुझे? इस बात का तुम्हें तब एहसास क्यों नहीं हुआ जब तुमने मुझे प्रपोज किया था? जब अचानक यहाँ से जाकर म्यूजिक के पैशन को पूरा करने का मौका मिला तब तुम एहसास हो कि तुम कितने नॉन सीरियस हो। तुम्हारे तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं। फिर तुम्हें मेरी बहुत फिकर हुई और फिर आधे रास्ते में मुझे छोड़कर तुम ऐसे गए कि तुम्हारे जाने से 3 दिन पहले मुझे पता चला कि तुम यूएस जा रहे हो और 4 साल तक पलट कर मेरी खबर भी नहीं थी। और आज मेरे सामने बैठकर तुम मुझसे सॉरी कर रहे हो और ये भी कहने के लिए कि तुम बेशक मुझे माफ ना करो, मुझसे नफरत करो, मेरा एतबार ना करो, लेकिन प्लीज प्लीज हाशिम से शादी मत करो। क्यों नहीं करूं मैं हाशिम से शादी? इसलिए कि तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती। तुम इस मंगनी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। प्लीज मेरी बात मान लो तुम हाशिम। देखो जारा, तुम मुझसे नफरत करो, मुझसे गिला करो, मुझसे शिकायत करो, मुझसे बदला लो, सब कुछ करो। नफरत करने का हक है तुम्हें, लेकिन खुदा के लिए अपने आप से बदला मत लो, मत बदला लो अपने आप से। एक बार मैंने तुम्हारी खुशियां छीन ली थी और अब तुम खुद अपनी खुशियां छीन रही हो और मैं ये नहीं होने दूंगा। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। Well, thank you so much, जारा। आपने अचकन का काम करवा दिया, वरना सुबह शाम पुपी भाभी मुझसे अचकन की ट्राई का सवाल कर रही थी। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है, 10 बजे मेरी मीटिंग है। वैसे आपने ठीक किया कि आप आतिफ को साथ नहीं लाई। मैंने तो उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी में मैसेज कर दिया था कि वो भी साथ आ जाए। यू हैव बीन अ गुड गर्ल जारा, और मैं वैसे भी नहीं चाहता कि मेरे और आपके बीच कोई दूसरा बंदा है सिवाय आपके बिजनेस के। भाई मेरे और बिजनेस के बीच तो आप आ चुकी हैं। ओके फिर बाय। ओके बाय। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारी पसंदीदा कैरमल चॉकलेट और तुम्हारे पसंदीदा चिप्स। कहाँ हो ओल्ड मैन? एक ही जगह पर जैसे ठहर गई है दादी की याददाश्त, बस यही कहती रहती है यहाँ
यहाँ इस फर्श पे गिरा था सकी, उनका डिमेंशिया कहाँ रह गया? वो ये बात भूली क्यों नहीं अभी तक? दादी को बहुत शदीद धचका लगे, ये उनका ट्रामा था। पता है कल नादिया दादी के पास थी, शायद उसने पहली बार दादी का हाथ पकड़ा। आतिफ, हम लोग दादी से बहुत दूर दूर रहते थे, खींचे खींचे जैसे मम्मा रहती थी। हमें लगा दादी शायद सिर्फ तुमसे प्यार करती है क्योंकि तुम लड़के हो। दादी को लड़कियां पसंद नहीं है। मम्मा ने हमेशा हमें दादा दादी से दूर रखा, और दादी ने भी कभी पता नहीं, कभी लगता था कि दादी को हमसे मोहब्बत ही नहीं। और अब तुम जरा इधर उधर हो तो बेचैन हो जाती हैं, कहती हैं उस प्यारी लड़की को बुला के लाओ। बस हमारे बीच कुछ फासला था, या शायद अब भी है, जैसा हम में था ये शायद अब भी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस। शुक्र है कि सो गई हैं दादी, है ना? कल रात से बहुत बेचैन थी, सिर्फ दादा को याद किए जा रही थी। आप सैरी के लिए गई ना तो मैडम आपको बुला रही थी। मिस, मैं 5 साल से मैडम और सर के साथ हूँ, लेकिन कभी आपको इतना क्लोज नहीं देखा उनके साथ। सब आतिफ सर का कमाल है, सबको मिला रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, गॉड ब्लेस हिम। हाय। हेलो दादा के लिए। थैंक्स। कैसे हुआ यार ये? मैं दरअसल लाहौर में रुक गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और आज ही मैं आया हूँ सैरी के टाइम पर। तुम्हें तो बहुत परेशानी रही होगी, ज्यादा सैड तो नहीं हो? डॉक्टर्स ने क्या कहा? तुम ये अचानक कैसे हुआ? आई नो बहुत परेशानी हुई होगी तुम्हें, और सुना रोजे रख रहे थे। दैट वाज सिली, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो रोजे रखने की क्या जरूरत थी? पुअर यू ज़ारा, पहले दादी की परेशानी और अब दादा की। वो दादा, आई नो बेचारे, मगर ज़ारा तुम बहुत ड्रेन्ड लग रही हो, अपना ख्याल रखो, और अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, आज मैं तुम्हें पिक करूंगा अफ्तारी के लिए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाह रहा हूँ, इज इट ओके? एक्सक्यूज मी, हेलो, या आई कॉल यू बैक। ज़ारा मुझे चलना होगा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना, और मेरी तरफ से दादा को पूछ लेना। चल गया शिमशाद, वैसे बहुत फिक्र है उन्हें तुम्हारी, काफी केयरिंग आदमी मालूम होते हैं, आपको देखने आए थे। दादा की तबीयत पूछने आई थी। ओह, टू सैड। दादा से मुलाकात नहीं हो सकी ना उनकी, सही बात। वैसे जाहिर है भाई उन्हें तो अपनी मंगेतर में दिलचस्पी होगी,
तुम्हारे दादा जिए या मरे उसकी बला से। हाशिम ने तुम्हें इग्नोर किया, मुझे बुरा लगा, लेकिन तुम ये बातें करके बदतमीजी कर रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है। मामूली फर्क होगा तुम दोनों अगर हुआ भी तो। सॉरी, आई नो मैंने थोड़ा वियर्ड मजाक कर दिया, नहीं करना चाहिए था, क्या करूं, जेलस हो गया था थोड़ा। पता है थोड़ा सा ही फर्क होगा हम दोनों में अगर हुआ भी तो। आज मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं, तुमने उनका ख्याल रखा। मैंने आपसे खास तौर पर कहा था कि ये लोग मेरे बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं, उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए था, बल्कि कुछ आगे का भी प्लान करना चाहिए था। जरूरी तो नहीं कि आप मेरे साथ ही चिपकी रहें, आप अपने ओन पे लोगों से मिले, उनसे ताल्लुकात बनाए, इससे मुझे बिजनेस में फायदा होगा और मेरा फायदा आपका फायदा है। आज संभल कर चलना है, 3 हफ्ते रह गए तुम्हारी शादी में, घर में वैसी मम्मी की वजह से बहुत टेंशन है, अब तुम कोई और टेंशन ना देना बेटा मुझे, प्लीज। उससे शादी करके तुमने कोई गलत फैसला नहीं किया, तुम उसके साथ बहुत खुश हो, तुम दोनों की कंपैटिबिलिटी है और वो बिल्कुल वैसा है जैसा तुम चाहती हो, क्यों जरा फिर तो आ जाएगा ना तुम्हें यकीन। जरा आप मेरे क्लाइंट्स को खुश रखेंगी तो वो मुझे खुश रखेंगी और मैं आपको, ये पूरा एक सर्कल है जिसमें सबकी खुशी है। हालत तो देखो अपनी, तुम कैसी हो गई हो बेटा। चलो भाई प्लेट में डालो चीजें। भाई हमारी जारा का खास ख्याल रखा करो, आखिरी रमजान है उसका हमारे साथ, अगला रमजान तो अपने ससुराल में गुजारेगी। भाई हम हाशिम को अपनी प्रिंसेस जैसी बेटी दे रहे हैं, प्रिंसेस, कोई मजाक नहीं है। जुबैर आपको याद है जब ये छोटी थी तो शादी के नाम से कितना चढ़ती थी और भागती थी, क्या कहती थी, क्या मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी गुड़िया आप सब लोग भी सुन लें, मैं ये शादी नहीं करूंगी। कमाल करती है ये लड़की, उल्टे सीधे बहाने बना रही है, कभी कहती है मुझे पेरिस जाना, कभी कहती है मुझे दादा की फिक्र है, कभी कहती है मुझे दादी की फिक्र है, सब ड्रामा, सब झूठ। क्या मैं ऐसे शख्स से शादी करूं जो चाहता है कि मैं उसके क्लाइंट से इंटरेक्ट करूं, उसके लिए एक ट्रॉफी वाइफ बनकर रहूं? बताएं पापा, कर लूं मैं ऐसे शख्स से शादी? आतिफ, जारा को शादी से इनकार करने पर तुमने उकसाया? आतिफ मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। जी मैंने कहा है उससे, और एक बार नहीं तो बाद में बार बार करने को तैयार हूं कि हाशिम जारा के लिए बिल्कुल भी बना सके। और तुम्हें किसने यह हक दिया कि तुम उस पर यह फैसला सादर करो? मैंने कोई फैसला सादर नहीं किया मामा, मैंने तो सिर्फ उसे एक रास्ता दिखाया। तुम जानते हो तुम्हारे ये रास्ता दिखाने से क्या नतीजा निकला? पूरे घर में एक तमाशा मचा हुआ है,
सकता, उसका ख्याल है तुम्हें? हर जगह तुम्हारा नाम आ रहा है। Fair enough. अगर ऐसी बात है तो मैं सबके सामने ये बात करने को तैयार हूँ कि हाशिम ज़ारा के लिए बिल्कुल भी मना सकता। आतिफ ज़ारा कोई बच्ची नहीं है, वो अपनी जिंदगी के फैसले करना अच्छी तरह समझती है। Exactly my point, मामा। ज़ारा बिल्कुल भी कोई बच्ची नहीं है, अगर उसने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। आप प्लीज उसके फैसले को समझने की कोशिश करो। तुम लोगों की बातें मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। आतिफ। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं भी, दादी को हॉस्पिटल जाना है। हाँ, मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था कि चलो दादी को लेके दादा से मिलने चलते हैं हॉस्पिटल। हाँ? मैं कैसे जा सकती हूँ, उस पर तो मुकदमा चल रहा है। अभी भी वक्त है, भाग जाओ। ये ना हो कि फैसला सुना के तुम्हें कैद कर दिया जाए। Anyway, मैं दादी को लेके आता हूँ, तुम गाड़ी में बैठो। आतिफ। कुछ नहीं। ओ लिसन, तुम्हारी पलक फिर टूट गई है, चलो विश करो। डोंट वरी, आराम से दुआ मांगो, मैं यही हूं तुम्हारे साथ, कहीं नहीं जा रहा। घर के पुराने मुलाजिम ने रकम का मुतालबा पूरा ना होने पर अपने मालिक को छुरी के वार से नमक हराम जानमी दोज़ख की आग में जलेगा रोजाना इस दुनिया में भी और अगले जान में भी। नमक हराम की कोई माफी नहीं होती। सरकार आप खाना खाएं, मैं अभी आता हूँ। कैसा जमाना आ गया है, वफा तो रही नहीं किसी में। मैं आप तो बहुत नमक हलाल कहता समझता था ना खादिम हुसैन, सरकार को तो जैसे मार ही डाला था, अपने आप पर भी एतबार नहीं रहा। आप खिला दे प्लीज, मुझे मैडम को नहलाना है। नहीं फ्लोरा, ये खाना पिलाना तुम्हारा काम है, तुम करो। जरा मदद कर देंगे एक दिन तो क्या हो जाएगा। चली गई। जी सरकार। अब रोजा रख ली, ये जो दलिया है ना बाथरूम में दे आओ छोड़ा हुआ। सरकार मेरी जान आप पर कुर्बान, माल आप पर कुर्बान, मेरी खिदमत आप पर कुर्बान। रो नहीं खादिम हुसैन, रो नहीं, मैं खा लेता हूं। सरकार मेरी हर सांस से आपके लिए दुआ निकलती है, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, आपको सेहत अता फरमाए। ये जो तुमने किया है निकाह से इनकार, ये आतिफ भाई की वजह से किया, और तुम दोनों के बीच में क्या फिर कोई? क्या बकवास है, दिमाग चल गया है तुम्हारा?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ज़ारा कि तुम दोनों के बीच में फिर कुछ चल रहा है? तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या लगता है, हटो मेरे रास्ते से। ये जो तुम उनको देखकर अजीब सी शक्ल बना लेती हो ना ज़ारा, और उन्हें बिला वजह इग्नोर करती हो, बिला वजह रूठ जाती हो उनके साथ, जरूर पे चल। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। फर्ज करो अगर ऐसा है अभी तो तुमसे मतलब, तुम्हें मैंने कहा है कि मेरे मामले में बोलो। मैडम ये जो आप उछल उछल के गुस्सा कर रही है ना, जरूर दाल में कुछ खा ले, ज्यादा रोजे रखते हैं ना इसलिए आउट हो रही हो। तो तुमने हाँ क्यों कर दी दोबारा से? ज़ारा तुम कितनी बेवकूफ हो, बिल्कुल पागल हो तुम मोहब्बत आदिल भाई से करती हो, शादी हाशिम भाई से करोगी? वेट अ मिनट, दिस इज नॉट ऑन। ज़ारा बहुत ही वाहियात किस्म की सिचुएशन होने वाली है। इस बच्चे को मिस करते हैं, आतिफ को मैं नहीं। उनका ज़हन एक जगह आके रुक गया है, उन्हें डिमेंशिया है, वो बार बार भूल जाती है। देखो बात मेरे उनके पास जाने की नहीं है, बीमार हैं। बाबू मैं उस बीमार औरत के साथ काफी दिन से बार बार देख रहा हूँ जिनको डिमेंशिया हो। डिमेंशिया के बावजूद उन्हें सिर्फ आपका नाम याद, हमारा नाम भूल जाती हैं, हर सिचुएशन को भूल जाती हैं, सबको भूल जाती हैं। अगर नहीं भूलती तो आपको नहीं भूलती, और आपका नाम बार बार दोहराती भी हैं बाबा। वो ऑब्सेशन है उन्हें, मैं सारे वक्त उनके पास नहीं बैठ सकता हूँ। आई हैव ए जॉब, मेरी फैमिली है, मेरी पर्सनल लाइफ है। राइट, उनके पास क्या? क्या नहीं है, आराइशें हैं, सहूलतें हैं, नौकर है, नर्स है, डॉक्टर्स हैं, उनका खाने हैं। तन्हाई, तन्हाई है उनके पास। सालों महीनों हफ्तों सदियों घंटों पे फैली हुई तन्हाई। तन्हाई? मुझसे पूछो तन्हाई कैसी होती है। एक तन्हा बच्चा, अकेला, सिर्फ अपने नौकरों, आसाइशों, अपनी नैनी और उन दखानों के साथ। तो उसकी याददाश्त में तन्हाई नहीं, जैसा लगता होगा उसे जब उसकी माँ उसे गोद में नहीं उठा सकती क्योंकि उसका ड्रेस खराब हो जाएगा। उसका बाप उसे पलट के नहीं देखता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। मैं बताऊं तन्हाई क्या होती है? तुम्हारे साथ अजीब अजीब प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या मुझे नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है? तुम कितनी अनहैप्पी हो, तुम कितनी कंफ्यूज्ड हो, और ये सब कुछ आतिफ भाई की वजह से, क्योंकि तुम आज भी उनसे मोहब्बत करते हो। आइए आइए, आप ही की वजह से ये तमाशे हो रहे हैं, और ये ज़ारा आज भी आपसे मोहब्बत करती है। एक दफा जो हाथ झटक कर चला जाए उस पर एतबार करने को तैयार बैठी है। एक मिनट नादिया, तुम लोग मेरी बात कान खोल कर सुनो। हाशिम से मंगनी तोड़ने का फैसला भी मेरा था और जोड़े रखने का भी मेरा। इसमें आतिफ का नहीं पहले कोई ताल्लुक था, नहीं अब है। अपनी खुशी या ना खुशी के जिम्मेदार मैं खुद हूँ, इसलिए प्लीज आप सब लोग मेरी जिंदगी के फैसले से दूर रहें। फैसला सही हो या गलत, ये मेरा फैसला है। बस हो गई खुशी? कितनी डांट पड़ी है ना नादी और तुमसे। कान अभी तक मेरे साइन साइन कर रहे हैं। बहुत गिल्टी फील हो रहा है, अजीब सा बुरा सा। रद्दी के कागज जैसा, शायद उससे भी इनसिग्निफिकेंट। वैसे तुम और नादिया मुझे कितना बुरा समझते हो,
समझते क्यों? बुरा हूं मैं यार, बड़ा दिल दुखाया ना तुम्हारा। यही तो कहा था कि राह में छोड़ के चला गया, रास्ता बदल लिया, यूएस चला गया, वहां पर एक आधे फ्लड। डोंट वरी, कैजुअल फ्लड, हार्मलेस है, ज्यादा सीरियस नहीं। यार वैसे कितना घटिया हूं मैं कसम से। धोखेबाज, दगाबाज और ड्रामा। दिल दुखा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो बिल्कुल ठीक है ज़ारा, मेरी ठीक है, वो बेचैनी है थोड़ी सी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है अपना आप मुझे, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें अब मैं बुरा लगता हूँ ना, जैसे तुम्हें मुझसे नफरत होती है, जैसे तुम्हें मुझसे घिन आती है, जैसे तुम मेरी सूरत नहीं देखना चाहती हो और जैसे तुम मुझसे शदीद नफरत करती हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, प्यार करती हूँ। How insensitive आतिफ, कितने बेहिस हो तुम, ये कॉमेडी करके क्या साबित करना चाहते हो? मेरे जख्मों को कुरेद के तुम्हें मजा आता है? हर रोज एक नया तमाशा, खिलौना समझ रखा है मुझे। खेल तो तुम रही हो खुद से, जब तक ये जख्म नहीं भरेंगे ज़ारा तुम खुश कैसे रह सकती हो? For God's sake, इस चैप्टर का क्लोजर बहुत जरूरी है, तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, अपने आप से मत लो, अगर तुम्हें नफरत भी करनी है तो मुझसे करो, अपने आप से मत करो। For God's sake, अपने आप को माफ कर दो, तुम अपने आप को माफ करोगी तो खुश रह सकोगी। कब तक अपने आप को तुम इस गलती की सजा देती रहोगी कि तुमने एक गलत इंसान से मोहब्बत की? और वो जो हाशिम, उसे देख के तुम्हारी आंखों में कैसे साए लहरा जाते हैं, तुम्हारे होंठों के किनारे मुस्कुराना भूल जाते हैं, तुम्हारी पलकें क्यों बार बार भीग जाती हैं और उसके बावजूद तुम खामखा मुस्कुराए जाती हो, क्यों? सब ठीक हो जाएगा, मोहब्बत सिर्फ दो हफ्तों की बात है आतिफ, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं कहीं और चली जाऊंगी, तुम यूएस चली जाओगे, दो तीन कैजुअल फ्लर्ट करने हैं, किस्सा खत्म। ये सब ईद से पहले तक की टेंशन है, तुम परेशान ना हो। माफ कर सकती हूँ, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। जुबैर बचपन में बहुत शरीफ था, मैं सीधा साधा था, इसकी वजह से फंसता था, शरारत ये करता था। हाँ भाई, शरारतें जुबैर भाई करते थे और डांट हमेशा आपको पड़ती थी मम्मी से। मम्मी वहां होती कहां थी, न डांटने के लिए न प्यार करने के लिए। आजकल की माएं तो बहुत ख्याल करती हैं अपने बच्चों का, हमारी माँ के पास तो टाइम ही नहीं था लाड करने का, जैसा तुम लोगों का होता है, जैसे सूफिया नादिया की फिक्र कर रही है या जैसे रूखी आतिफ की फिक्र करती है। खैर, दखल तो हमारी जिंदगी में बहुत देती थी, सोचे हमें हनीमून पे नहीं जाने दिया शादी के बाद और खुद चली गई लंदन समर्स में। अभी तो शुक्र करो सूफिया, जो सख्तियां मेरे और जुनैद के हिस्से में आई, आप सब तो उनसे बचे रहे। खैर रूखी भाभी, मोहब्बत भी उन्होंने जुनैद भाई से ही की है सारी जिंदगी, जुबैर तो बेचारे पीछे रह जाते थे। सोफिया, मोहब्बत किसको कहते हैं? ऑब्सेशन को, डिक्टेटरशिप को, जकड़ कर रख लेने को? अगर ये मोहब्बत है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जिंदगी में अपने बेटे से इतनी मोहब्बत कर पाऊंगी, ना ही अपनी होने वाली बहू को कभी इस टॉर्चर से गुजारूंगी।
सोच लो, ऑफर तो अच्छी है। सोच लिया कि मैं ये मिल्कशेक नहीं पीऊंगी और मैं ये पराठे नहीं खाऊंगी। और मैंने भी तय कर लिया कि मैं कट के शहरी करूंगा, बिल्कुल डाइटिंग नहीं करूंगा। और लीजिए। और मैं हार नहीं मानूंगा। और मैं ये खेल नहीं खेलूंगी। क्या जरूरत थी इस कदर हसीन लगने की? हाशिम के लिए आज एक बहुत जरूरी डिनर है, हसीन तो लगना ही था। ओ, तो हसीन लगना भी गोया एक काम है। वैसे हाशिम के हाथ की लकीरें देखना पड़ेंगी, काफी धनी लगता है किस्मत का। देखो यार, मैं उसकी किस्मत से भी जल गया जिसने तुम्हें पाया। टू बैड। नो पता है आतिफ, तुम ही मेरी उसी दुनिया की तरह जो मेरे दिल का हाल जाने बगैर अपने दिल का हाल कहती थी। और जो तुम ये रास्ता रोक कर खड़े हो ना, ये कोई मुनासिब हरकत नहीं है। बहुत तंग करता हूँ तुम्हें। जी बहुत। Oh, I'm sorry. जाओ, आ गया। Hi, Hashim. Hello. Hi, Hashim. Hello. Nice to meet you. चलो जारा। हेलो, हाउ आर यू? फाइन मिस्टर दिलावर। इस दुनिया की सबसे हसीन औरत से मिली है, मिस ज़ारा ज़ुबैर। इन खूबसूरत औरतों से तो आप दोनों भाइयों ने शादी कर ली, अब हमारे लिए क्या बचा? सर क्या बात कर रहे हैं, हम हैं ना आपके, हम सब आप ही के तो हैं। घुमा दी बात आपने आखिर। हाँ, बातें तो चलती ही रहेंगी, बातें हम बाद में करेंगे। प्लीज चल के हम लोग इफ्तार क्यों ना करें। आज ओके, भाई पहलुए होर में बिठाकर आपने जो मुझ पे एहसान किया है, इसके बदले में आपको जन्नत में होरे मिलेंगे। सर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो करें, उसके बाद देखें हम आपकी जन्नत यहीं बना देंगे। बहुत तेज हो आशिम, तो पहलुए होर में बिठाकर बेबस करके हमसे बातें बनवा रहे हो। बस जरा आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मैं घर जाना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको हमारा साथ गवारा नहीं है क्या? बैठिए ना कुछ देर। छोड़े मेरा हाथ। ज़ारा, एक्सक्यूज मी, ज़ारा, ज़ारा वेट, ये क्या था? ये एटलीस्ट रोजा तो खोल लो, क्या बेवकूफी थी? मजाक चल रहा था वहां पर। मैं मजाक नहीं हूँ आशिम, और ना ही मैं बेवकूफ हूँ कि मुझे अंदाजा ना हो कि ये बेहुदा मजाक हो रहा है। या तुम एक दुनिया की हसीन तरीन लड़की के अवस में एक बिजनेस डील करने जा रहे हो? सारा कम ऑन यार, जस्ट काम डाउन, रोजा तो खोल लो, लो पानी पी लो प्लीज। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? सारा तो बिल्कुल बेवकूफ है, उसको अपने अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं। नहीं सोफी, नहीं, ज़ारा बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ हम हैं, बेवकूफी हमसे हो रही है। मैं बाप होकर भी ना समझ सका, और तुम तो मां हो, मां होकर भी ना समझ सकी अपनी बेटी को।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या हो गया है। आप फोन करें, हाशिम से बात करें, कामरान को फोन करें, ये मसले को सॉल्व करें। लो भला, बेटी तो पागल हो गई है, बाप सपोर्ट कर रहा है उसको। ये शादी अब नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप जुबैर? मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अब सिर्फ वो काम करूंगा जिसमें मेरी बेटी खुश हो। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ जारा की खुशी अजीज है। और सोफी, मैं जानता हूं हमारी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। जुबैर, इट्स डिसाइडेड। कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ जाके थोड़ा आराम कर लो, दादी के पास मैं हूं। आती, तुम फजर की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़कर आए हो? जी नहीं। क्या हो गया तुमने? ताक रात की इबादत को तुमने ऐसे ही जाया कर दिया? मेरे खुदाया, मैंने तुम्हें अमेरिका से इसलिए बुलाया था कि तुम अपना वक्त फजूल की चीजों में जाया करो, ना कि इसलिए कि तुम इबादत में मशगूल रहो। हाँ, रोजे रखूं, नमाज पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, फराइज अदा करूं, सब कुछ तो कह रहा हूं। हाँ, क्योंकि माँ बाप की पकड़ होती है अगर उनकी औलाद दीन से दूर हो जाए तो। फिर तो आपने अपने पकड़ के खौफ से मुझे पाकिस्तान वापस बुलाया। आतिफ, ये अहमियत है तुम्हारी नजर में माँ बाप की बात की? मैं तुम्हें दीन की तरफ रागिब करने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी माँ होने की हैसियत से, और तुम अपनी माँ की ही बातों की हंसी उड़ा रहे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं नमाजें भी पढ़ रहा, रोजे भी रख रहा और अपने फराइज भी पूरे कर रहा हूँ। आतिफ, तुमने ताक रात यूं ही गवा दी, तुम इबादत करने के लिए नहीं गए। पता नहीं कहां अपना वक्त जाया कर देते हो तुम, अपने बाबा से ही कुछ सीख लो। तुम्हें पता है वो फजर की नमाज वहां से पढ़कर लौटे, सारी रात वो एक लम्हे के लिए भी मुसल्ले से नहीं उठे। इतने दीनदार बाप के बेटे होने के बावजूद तुम कैसे ऐसा कर सकते? उनसे ही कुछ सीख लो। वो सारे दुनियावी काम छोड़ के इस अशरे के हर फर्ज को पूरा करने में मशगूल हो गए। जी ठीक है, आपने सब छोड़ के, अपनी मां को भी छोड़ के वो पूरी रात मस्जिद में अपने रब को राजी करते रहे। आती, उन्होंने अपनी मां को लावारिस नहीं छोड़ पाए। उनकी खिदमत के लिए एक परमानेंट नर्स रखी हुई जिसे वो एक्स्ट्रा पैसे देते। जहां तक सवाल उठता है डॉक्टर्स का या हॉस्पिटल का, तो वो सारी सहूलियात घर पर ही मौजूद है, इससे आगे क्या चाहिए मम्मी को? जुनैद, आपको पता है वो सिर्फ बाबा का नाम पुकारती रहती हैं, उन्हें अपना बेटा चाहिए। आती, उनकी आदत है, तुमने देखा नहीं है कि वो कितनी बीमार है? दिन ब दिन अपनी याददाश्त भूलती चली जा रही, अब कुछ नहीं याद रहता उन्हें, सब कुछ भूल चुकी हैं वो। सिवाय जुनैद के। देखो, ये बीमारी है, उनकी ऑब्सेशन। जाहिर सी बात है, अब बेटों और बहुओं पर उनका बस नहीं चलता तो और क्या करेंगी अटेंशन सीख करने के लिए। ठीक कहा आपने, बस ही तो नहीं चलता उनका, बिल्कुल बेबस।
ये सब कुछ सोचना तुम्हारा काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके दो बेटे मौजूद हैं, जो उनके लिए हर चीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तुम इन चीजों की फिक्र मत करो। हाँ तो क्या करूं बताएं, दादी को अकेला छोड़ दूं? आपको पता, पूरी रात अस्पताल में वो बाबा का नाम पुकारती रही और कितनी बेचैन रही है। अब मैं उनके बेड के साथ खड़ा पूरी रात ताक रात के नवाफिल अदा करता रहा और उनका हाथ पकड़ के वो फर्ज अदा करता रहा जो उनके बेटों का मेरा नहीं है, जो कि अपने फराइज और नवाफिल में कंफ्यूज्ड। तुम्हें क्या लगता है कि क्या उनके बेटों ने उनके लिए कोई दुआ नहीं की होगी इन ताक रातों में? खुदा ना खास्ता अगर कल को मैं इस हाल में पहुंचू तो। खुदा ना करे मामा, खुदा कभी भी ना करे कि आप उस बेबस हालत में हो और मैं एक नर्स के हवाले करके आपको अपनी ताक रातें निभाऊं। ये सब जज्बाती बातें, दावे। जब कल को ऐसा वक्त आए तो सबको अपनी पड़ जाती है। सारे अपनी बख्शिश के लिए अपने कामों में उलझे रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस वक्त सबको वाकई अपनी पड़ी हुई है। जिस जन्नत को पाने के लिए वो पूरी रात मस्जिद में सजदे करते रहे ना मामा, मैं उस जन्नत के पैरों के करीब पूरी रात नवाफिल अदा करता रहा। अब अल्लाह ताला इस फजीलत के अशरे के एवज मेरे गुनाह भी माफ कर दे। मामा, आई वांट टू स्लीप, प्लीज लाइट बंद कर दे। थैंक यू। ये तो जाके उनसे पूछो, भरी बैठी हैं। कह रही थी मैंने तो तुम्हें इबादत करने के लिए बुलाया था। इबादत ही तो कर रहे हो तुम, दिखाओ ये तुमने बुना? अरे वाह, दादी की कंपनी ने तो तुम्हें बड़ा शुगर बना दिया। अदाब अर्ज़ है आतिफ जुनैद। अच्छा सुनो, जब मैं यूएसए जाऊंगा तो गरम गरम स्वेटर बुन के मुझे वहां भेजा करोगी ना? दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। सुनो, कौन से रंग का बनाकर भेजूं ये बता देना। जहारा, क्या कर रही हो? आज हमारी शादी है ना सखी, सेवर निकाल रही हूँ। कितना खूबसूरत है। और ये बीमार होने में मुझसे पहना नहीं जा रहा था। तुम ठीक हो जाओगी जहारा, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ मैं तो ठीक हो जाऊंगी, मगर वो जो पोपी की मम्मी है ना बेचारी, वो ठीक नहीं होगी। उनको कैंसर है ना, वो ठीक नहीं। मेरे लॉकर जेवरात से भरे हुए, पर ये मेरे माँ के जेवरात है, उनकी निशानी है, और इन जेवरात की अहमियत मेरी नजर में उन सब जेवरात से कहीं ज्यादा है। जुनैद भाई, आपको तो पता है औरत की जेवरात से कितनी जज्बाती वाबस्तगी होती है। औरत जितनी भी पढ़ी लिखी हो, जेवरात के मामले में बेइंतहा जज्बाती हो जाती है। अब आप हमारी बच्चियों को ले लीजिए, उनके पास किस चीज की कमी है? अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन जब जेवरात के बंटवारे की बात आती है, उन्हें तकसीम करने की बात आती है, तो अगर वहां पर कुछ नाइंसाफी हो तो दिलों में दरारें सी पड़ जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसी सिचुएशन हो कि अनप्लेजेंट हो जाए मामला। हम आपकी इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि सब मामला प्लेजेंटली हैंडल हो। कमाल है,
मैं तो इस जेवर को वर्थलेस समझ रहा था। मैंने तो कभी गौर फिकर ही नहीं की कि रूखी क्यों इसे तकसीम कर रही है। यूं तो रूखी की अपनी पोजीशन है, वो इस घर की बड़ी बहू है, उसका हक है, और उसने हमेशा इस घर के मामलात में मेरा साथ दिया है। मगर बड़े ही कुर्बानी देते हैं ताकि छोटे खुश हो जाएं। मैं रूखी से कहूंगा जो कुछ है तुम दोनों को दे दो, बांट लेना तुम लोग अपने दरमियान। अगर एक भाई को ऐसा मिलेगा तो दूसरे को भी मिलना चाहिए, बराबरी की सतह पर होता है। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही भाई दस्तबरदार हो जाते हैं जेवरात से, ताकि तमाम जेवरात मामा के आपको मिल जाए, ताकि मेरी भाभियां मुझसे नाराज हो जाए और मुझसे जिंदगी भर बात ही ना करें, है ना? वो भी तुमसे कोई नाराज नहीं होता, खामखा की बात मत करो। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना जनेब भाई, मैं अपनी भाभियों के तेवर देख रही हूँ। गलत बात मत करो पॉपी, हम सब तुम्हारे लिए फिक्रमंद जरूर हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम जो मर्जी आए कहती रहो। औरत हूँ मैं जुबैर भाई, और औरतों के तेवर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, और अगर मेरी भाभियों को जरा भी मेरा एहसास होता ना तो वो आपस में इस तरह से मेरी माँ के जेवरात ना बांट लेती। कम ऑन पॉपी, जेवरात बांटे किसने हैं? सोफिया को सिर्फ बेटियों के नाम पर दो अंगूठियां मिली हैं, एक जारा के लिए एक नादिया के लिए। चाहो तो बखुशी तुम दोनों अंगूठियां रख लो अपने पास। मुझे क्या पड़ी है कि मैं अपनी भतीजियों के हाथों से अंगूठियां उतरवाऊं? आप मुझे ऐसा समझते हैं? शुक्र है तुम्हें भतीजियों का तो ख्याल है, भतीजा तो खैर है उसका। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं इन तीनों बच्चों से किस कदर मोहब्बत करती हूँ। हाँ करती तो हो, लेकिन मामा के जेवरात से कम। आप दोनों को मुबारक हो सारे जेवरात, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर मम्मी ने मुझे कुछ देना होता ना अपने हाथों से ही दे देती। मैं ही पागल हूँ जो बिना वजह मम्मी की चीजों को लेके इमोशनल हो रही हूँ। जुबैर की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मेरे बाबा की आंखें भी ऐसी ही थी, सवाल करती हुई सोचती हुई आंखें। जुबैर का मिजाज भी अपने नाना जैसा है, खुशोखुरम शरीफ, बात बात पे मजाक उड़ता है। उसके बाएं हाथ पर भी वैसा ही तिल है जैसा उसके नाना के, गोल पूरे चांद जैसा। आज जुबैर 7 बरस का हुआ, उसके नाना होते तो देखकर कितना खुश। आज उन्हें इस दुनिया से गए हुए 7 बरस। जिस रोज जुबैर पैदा हुआ था उसी रोज वो एक हादसे का शिकार हुआ। आज मैं बहुत खुश हूं, मगर जुबैर की बर्थडे 1970। हाँ, उसके हाथ पर यहां दिल था पूरे चांद जैसा गोल। रियली? बिल्कुल गोल पूरे चांद जैसा। अरे राधी, आप तो उदास हो रही थी कि आपके बाबा इस दुनिया से चले गए। तो कहाँ गए हैं वो? अभी भी जिंदा हैं जारा में और जुबैर चचा की फॉर्म में, पूरे चांद की तरह। सुनो, ईद का चांद हो गया क्या? अभी कहाँ दादी, लेकिन जिस तरह लोगों ने दुआएं मांगना शुरू की हुई है ना, उम्मीद है कि 28 को दिखाई दे जाएगा। होशियार, देखे देखे कौन आ रहा है? We have the royalty gracing us with their presence. Yeah. Happy birthday, Zubi. Mom, आपने मुझे जूबी कहा? हाँ. Do you remember my name? सारा, तुमने सुना? मामा ने मुझे जूबी कहा। भाभी आपने सुना? सॉरी, थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। चले चले, जल्दी से केक काटेंगे, सब आ जाए जल्दी से।
बैठे। बिस्मिल्लाह। अरे मेरे बेटे जुबैर के हाथ पर भी ना ऐसा ही दिल है, गोल, पूरे चांद जैसा। दादी आपके बेटे ही तो हैं, जुबैर। बेवकूफ हो तुम भी, हर आदमी को मेरा बेटा बना देती हो। पागल, मेरे दो बेटे हैं, जुनैद और जूबी। जूबी बहुत शरीर है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, सीधे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और मोटे मोटे कान। तुम जुबैर को जानते हो? नहीं, मैं जूबी से आज तक नहीं मिला। अरे वो ही है ना, वो जो मैरून कोट और खाकी पतलून पहनकर हर रोज शाम को अपनी साइकिल लेकर बाहर निकल जाता है, वो जो गाता है मेरी नई साइकिल तेजी से जो चली, फाटक से निकली बाहर की गली, ऐसा ही था कुछ। मैदान का चक्कर काटा, घर को वापस लौटा, मम्मी ने जो देखा और भी जोर लगाया। मम्मी ने जो देखा और भी जोर लगाए। मम्मी ने शाबाशी दी, भागा जैसे घोड़ा। मम्मी ने शाबाशी दी, भागा जैसे घोड़ा। सामने आया खंबा, तेजी से जो मोड़ा। आहिस्ता जूबी, आहिस्ता, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी तुम्हें। जूबी देखा, गिर गए ना। मैं कह रही थी ना आहिस्ता जाओ, सुनती नहीं तुम, बहुत शरीर हो। मम्मी, आप अपने जूबी को पहचानती हैं? आपको मैं याद हूं? हाँ। मुझे भूली तो नहीं? Do you still recognize me? I do. मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादतियां की, बहुत इग्नोर किया, बहुत इग्नोर किया। प्लीज फॉरगिव मी। दूसरों का सुकून बर्बाद करके खुद चैन से सो रहे हो। बहुत दावे किए थे ना तुमने मुझसे, मुझ में से फूलों की खुशबू आती है, मेरी आंखें जैसी कोई आंखें नहीं। यूएस में तुम्हें मेरी याद जीने नहीं देती, मुझे खोकर तुम्हें बेहद सदमा है, एक पल तुम्हें चैन नहीं आया है ना, यही कहा था ना तुमने मुझसे? हाँ, तुम बिल्कुल सच है। सच है? ये सच है आतिफ? सच तो ये है कि तुमने मुझे खिलौना समझा हुआ है, जिसे तुम चाबी लगाकर तमाशा देखते हो। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे जारा, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, मैं यूएस में हूँ यार। तुम्हारी याद खुशबू बनकर यूएस में मुझे तंग करती है, यूएस में आकर पछता रहा हूँ मैं। हाशिम से शादी मत करो, तोड़ दो उससे रिश्ता। क्या मुझ पे यकीन नहीं है? मैं अभी तुमसे मोहब्बत करता हूँ जारा, अभी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हर्फ बहर्फ सच है। ये भी सच है आतिफ कि तुम मेरे लिए लड़कों को पास और फेल करते हो। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें, बहुत मजे की बात है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं तुम्हारे रोजे, है ना? ये भी हर्फ बहर्फ सच है। मैं किसी की जायदाद नहीं हूँ आतिफ, कि जब चाहो से गिरवी रख दिया और जब चाहो से अपना लिया। इंसान, प्लीज मुझ पे तर्स खाओ, मेरा तमाशा मत बनाओ।
और मुझे माफ कर दो। मुझे कब माफ करोगे? बताओ कब माफ करोगे मुझे? देख लो, अगर माफ ना किया तो चाची किसी मोटे और गंजे आदमी से, जिसकी दो मंगनी और दो निकाह टूट चुके हैं, तुम्हारी शादी करवा। बहुत चाहती है ना मुझे, पर माफ नहीं कर सकती। माफ कैसे करोगे? आखिर को तुम्हारी रगों में भी तो इसी खानदान का खून दौड़ा है ना। जो मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन माफ नहीं कर सकते। एनीवे यू डोंट वरी, मेरे होते हुए कोई तुम पे अपना फैसला साबित नहीं कर सकता। होगा वही जो तुम चाहोगी। बोलो क्या चाहती हो तुम? इतनी सख्ती क्यों करती हो तुम अपने? जाओ यार, सोने दो। जमाने भर के रंग या एक तेरा रंग, जमाने भर के रंग या एक तेरा रंग। अब कैसा फील कर रही हैं आप? नहीं दादी जान, बिल्कुल बदबू नहीं आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, फूलों जैसी। झूठी कहेंगी। है ना दादी, है ना, ये झूठी कोई झूठी है। सही कहा है आपने बिल्कुल। दादी इसकी बात मत सुनिएगा, ये पल में तोला है तो पल में माशा, कोई भी इसकी बात पर एतबार नहीं करता। अरे हम तो हर इम्तिहान से गुजरने को तैयार है, हर आजमाइश के लिए तैयार। कोई मौका हो दे। एक बार आजमाया तो था, ऐसा धोखा खाया कि तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं। अब धोखा खाने की हिम्मत नहीं है। देखा दादी आपने कितनी गलत बातें करती है, कहीं से मैं लगता हूँ धोखेबाज किस्म का इंसान? भला मैं किसी को धोखा दे सकता हूँ कभी? ना पाक हूं मैं, नमाज भी नहीं पढ़ सकती। अरे क्यों नहीं पढ़ सकती नमाज? चले उठिए, अभी नमाज पढ़ेंगी आप। अल्लाह नाराज होगा? अल्लाह ताला बिल्कुल नाराज नहीं होते दादी, वो रब है हमारे, माफ भी करते हैं और कबूल भी करते हैं। हम इंसानों की तरह थोड़ी हैं, ना माफ करते हैं ना कबूल करते हैं। चले। ये किस वक्त की नमाज पढ़वा रहे हो दादी को? दादी के वक्त की? बेवक्त की। दादी की जिंदगी भी तो अब बेवक्त ही है ना सर, यहाँ पर सुबह शाम का कोई काम नहीं। लेकिन दादी को अब नमाज कहाँ याद होगी? अल्लाह तो याद, अल्लाह को याद करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जब आपका दिल चाहे आप अल्लाह ताला को याद कर सकते हैं, वो बड़ा गफूर रहीम। रमजान कब खत्म हो रहा है? 3-4 दिन के बाद फिर जुनैद आएगा तो ईद आएगी। दादी नहीं, जुनैद आएगा तो ईद आएगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया बेटा? हम कब से तुमसे पूछ रहे हैं, एक इशारा ही दे देती, मुझे तो बता देती। हमारे लिए तो इससे बढ़कर खुशी की कोई बात ही नहीं है। आतिफ घर का बच्चा है, देखा भाला है। रोजे में झूठ बोलने से रोजा मकरूह हो जाता है।
डैडी लाए मैं कर देती हूँ। माफी चाहता हूँ, आपको जहमत हुई, बूढ़ा हो रहा हूं ना, हो गया। थैंक यू। आप यही रहती हैं? कभी देखा नहीं, शायद कभी सरसरी से मुलाकात हुई होगी। आपके शौहर डैडी, मैं जुनेद की मिसेज हूं, रुखी। जुनेद? जुनेद? ओह, आप मिसेज जुनेद हैं। सुनिए, जहां अरब बाथरूम में, उनकी तबीयत अच्छी नहीं, बिगड़ती ही जा रही है। कैंसर है ना उनको। आप जुनेद साहब से कहेंगे कि वो इनसे मिलने आ जाए। उन्हें देखकर ही बहुत खुश हो जाती है। मेरा जी चाहता है कि मैं चाहूं कोई खुशी तो, डैडी। उनसे कहिएगा कि वो यहां आकर इनको अपनी मां कहे। उन्हें अपना बड़ा बेटा समझती है, वो उनसे मिलना चाहती है, जैसे सजाए मौत के मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश। आप उनसे कहेंगे ना? डैडी, आप फिकर मत करें, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ईद के बाद बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। जुनेद साहब को ईद से पहले आना होगा। आप कहीं मिला उनसे? ईद कब है? कल परसों। परसों? परसों तो बहुत दूर है। आप मेरा एक काम कर देंगी प्लीज? जी। ये मेरे कुछ जेवर हैं जो मेद की बीवी को दे रहे हैं। कहीं मेरे बेटे को छोड़ते। आप क्यों रो रही? आपका भी बेटा गुम गया है क्या? कितने बच्चे? मेरा एक बेटा आतिफ। आप आतिफ की मां हैं? आप भी मां हैं?
ये सब कहते हैं मुझे मुझे कैंसर हो गया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे बार बार घूम जाते थक जाती, फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। सुने तुम ना ये जुनेद की बीवी को दे दो, उसे कहो मेरे बच्चे को आगे तुम ही उसे दोगी ना, फिर वो मेरे बेटे को आने देगी। ये दे दे, ये 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 सब दे दे उसको, ये सब दे दे उसको, कहे मेरे जुनेद को छोड़ दे उसको, कहे मेरे जुनेद को आने दे, जुनेद को छोड़ दे मेरे बच्चे को छोड़ दे उसको आने दे। मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना जकी। क्या आ रहा, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। जकी अपना ख्याल रखना, बच्चों को तंग करना। आप ठीक हो जाएंगी जहारा, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। अच्छा तो तुम वैसे ही भूल चुके हो जिंदगी। सब कुछ भूल के भी आपको नहीं भूला। अच्छा मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जुनेद साहब आए। कौन? ये जुनेद साहब हैं, हमारे किरायेदार। तुमने पहचाना नहीं इन्हें? कौन जुनेद? मैडम, जुनेद सर आपके बेटे, आप उनको याद करती रहती थी ना मैडम। तुम्हें पता है जब मेरे घर पे बारिश होती है ना, सब कुछ धुल के बहुत साफ सुथरा और चमकीला हो जाता है, और फिर मैं जिंजर को लेके टहलने निकल जाता हूँ। जिंजर? यानी तुमने कुत्ता पाल रखा है? जिंजर एक बहुत खूबसूरत गोल्डन लैब्राडोर है। जैसा भी हो, तुम जानते हो कि मुझे कुत्ते नहीं पसंद। कोई बिल्ली पाल लेते? बिल्लियां मुझे बहुत मीन और सेल्फिश लगती हैं। मुझे लगता है कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। जिंजर बहुत प्यारा है, बहुत ही क्यूट सा। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जब तुम आओगी ना। मैं आऊंगी, यानी मैं आऊंगी। तुमने कुत्ता पाल रखा है और मैं आऊंगी। अच्छा यार, नहीं रखता बस। नहीं रखूंगा बस, रख तो लिया। अरे सारा वापस कर दूंगा ना, जाते ही किसी को दे दूंगा। बिल्ली रख लूंगा, पर्शियन। नहीं पर्शियन नहीं, साइमिस। ओके साइमिस। सोच लो, बिल्लियां बहुत सेल्फिश और मीन होती हैं। बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो? नहीं, जो तुम्हें पसंद है ना वही हो, जैसा तुम कहोगी ना बिल्कुल वैसा होगा। रियली? फिर से सोच लो, अगर बाद में कुत्ता रखने की जिद की फिर? नहीं करूंगा, जो भी कह रहा हूं ना बाद में भी वही कहूंगा। क्या आई लव यू।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपका किराएदार नहीं हूँ, मैं आपका बेटा जुनेद हूँ। डैडी आप मुझे नहीं बोले प्लीज, आप मुझे नहीं बोले प्लीज। बहुत कंफ्यूजन है जुनेद साहब, क्या मैं आपको भी भूल गया हूँ कि आप मेरे बेटे हैं? मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ कि आप और मम्मी कौन है। मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ डैडी, मुझे माफ कर दे डैडी, मुझे माफ कर दे। फ्लोरा जी मम्मी, क्या वक्त हो गया है? अजान हो गई है क्या? जी हो गई है। ओहो, मैं सोती रह गई, नमाज कजा हो जाएगी मेरी। फ्लोरा मुझे वुजू करवा दो। फ्लोरा से कहो, फ्लोरा मुझे वजू करवा दो। जीते रहो तुम। आप मुझे पहचान, मैं जुनेद हूँ। आप मुझे भूलने नहीं प्लीज, आप मुझे नहीं भूलने। जुनेद नमाज पढ़ने नहीं गए, तुम जमात कज़ा हो जाएगी। मैंने अपनी इबादत कज़ा कर, आप मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? क्यों, तुमने क्या किया? आप मुझे नहीं बख्शेंगे तो खुदा भी नहीं बख्शेगा। आप मुझसे गलत हो नहीं है, आप मुझे माफ कर देंगे। आप रुखी, सुबैर, रुखी सबको माफ कर दें आप। ये सब कौन है? ये सब आपके बच्चे हैं मम्मी। मेरे बच्चे सकी, मेरे बच्चे मिल गए सकी, मेरे बच्चे मिल गए जी, सब मिल गए। तुमने देखा है मेरे बच्चों को? सुपैर हर वक्त शरारतें करता रहता है, और पोपी वो लड़ती रहती है उससे, मगर मेरा जुनेद बहुत प्यारा है। बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। बहुत सही बच्चा है। मैं ही जुनेद हूँ आपका बेटा। जुनेद तुम नमाज पढ़ने नहीं गए, तुम्हारी जमात कजा हो जाएगी। मैंने अपनी खिदमत कजा कर, मुझे माफ कर दे। माफ कर दो? क्यों, तुमने क्या किया? ओहो, रोन रोन, मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। जुनेद जाओ, तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाएगी। जाओ जुनेद। मेरे ख्याल में फिर निकाह
आज ही हो जाना चाहिए। लड़की मान गई है और उसकी भी यही मर्जी है कि निकाह फौरन हो जाए, तो अगर आज हो जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा बाबा। आई मीन उसका भी यही है कि अगर आज ही निकाह हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? निकाह तो ठीक है, मगर ये कैसे होगा? मेरा मतलब है उसकी तरफ से कौन शामिल होगा? क्या बात करें बाबा, सारे लोग तो शरीक होंगे। क्या एक मिनट, क्या मतलब है आप लोगों का? किस निकाह की बात हो रही भाई? देखा जुनैद आपने, मुझे पहले ही शक था कि जरूर किसी गोरी मेम से शादी की बात करेगा। भाई देखें जुनैद, मैं हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दे सकती इसकी माँ होने के नाते। ठीक है कि आप बहुत लिबरल माइंडेड हैं, बड़े खुले दिल के मालिक हैं, लेकिन नहीं नहीं आतिफ, मैं तुम्हें कोई इजाजत नहीं दे सकती। अरे यार उसकी बात तो सुन दो, एक मिनट रुक जाओ। प्लीज जुनैद, आप इस मामले में ना ही बोले। मैं इसकी माँ हूँ, इसे लेकर कुछ अरमान है मेरे दिल में इसके लिए। मैं हरगिज ये नहीं कर सकती कि सारी रिवायात को, हर चीज को भुलाकर मैं इसकी किसी भी उल्टी सीधी बात को एक्सेप्ट कर लूं। मैं कैसे खुश हो सकती हूँ किसी भी सैली जेन या लिंडा को अपनी बहू बनाने में? फॉर गॉड सेक, कम ऑन रूही, क्या फर्क पड़ता है नाम से? एग्जैक्टली क्या डिफरेंस इससे होगा, लिंडा नाम हो, डेजी हो, जेन हो या सारा जुबैर हो? सारा, कम अगेन, ज़ारा? डिड यू जस्ट से ज़ारा? हाई फाइव। मैं कह रहा था ना, गोरी चिट्टी होगी तुम्हारी बहू। माय गॉड, आप लोगों ने तो मुझे शॉक में ही डाल दिया था। इट्स नॉट फनी एट ऑल। ये फैसला बहुत सोच समझ कर मैंने खुद किया है। हाँ हाँ, मेरी तो बात की कोई अहमियत है नहीं। जब मैं तुमसे कह रही थी तो तुम्हें 100 शिकायतें थी आतिफ से। जी वो बस कुछ शिकायतें दूर होने में थोड़ा वक्त लग गया था। सोफी, मैंने तुमसे कहा था ना, ज़ारा को कुछ वक्त दो। भाई पहले ही सोच लेती तो ये सारा तमाशा ना होता। इतनी सुक्की हुई है सारे लोगों के सामने, क्या क्या बातें ना बनाई लोगों ने। मामा, अगर वो सब तमाशा ना होता ना, तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठी होती। जो हुआ अच्छा हो। ये अच्छी रही, पहले सोच लेती तो हाशिम वाला तमाशा ना होता। इतनी सुक्की हुई सब लोगों के सामने, लोगों ने क्या क्या बातें नहीं बनाई। लेकिन आतिफ के तो जाने के दिन करीब है, क्या वो निकाह के लिए रुकेगा? जुबैर, मैं ये स्काइप पे निकाह के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, बहुत अजीब सा लगता है मुझे। तो स्काइप पे क्यों करेंगे निकाह? आज ही कर लेते हैं, जैसे पहले हो रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन लेकिन तैयारी कैसे होगी? ओह कम ऑन यार, तैयारी हो चुकी है, एवरीथिंग इज रेडी। हाँ मेरे ख्याल से जुबैर आप केटरिंग वाले को फोन कर दें। और ज़ारा, जोड़ा तो तुमने पहले भी ट्राई किया होगा, एक दफा फिर ट्राई कर लो। मैं, अरे उफ खुदाया, ज्वेलर के यहाँ से तो सेट ही नहीं आया है। नादिया, फूल वालों को भी फोन करना है, बहुत काम है भाई मुझे। ओह माय गॉड। ज़ेकी, बच्चों के ईद के गिफ्ट तैयार हो गए हैं। बच्चे आएंगे ना ईद पर, तो ज़ारा खानसामा से कहना शीर खुरमे में ज्यादा मेवा ना डाले, वो भी को नट्स नहीं पसंद, उसको अच्छे नहीं लगते। यहाँ आ रहा वो मैं। क्या बात है ज़ेकी, कुछ चाहिए आपको? नहीं जहारा, मैं ये। ओ, तुम भी बच्चों के लिए गिफ्ट लाए हो? हाउ स्वीट ऑफ यू ज़ेकी। नहीं 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 जहारा, ये आपके लिए है। मेरी? जी। अच्छा। बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैं इसे पहनूंगी कब? वो जब वो कब पहनूंगी मैं ज़ेकी, कब?
पोपी की मां को ना कैंसर हो गया है। नहीं पहन सकती वो तो मरने वाली है। नहीं चाहारा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और देखो ये भी तुम्हारे लिए है, चूड़ियां। मुझे चूड़ियां बहुत पसंद थी एक समय, तुमको पसंद नहीं, इसलिए मैंने पहनना ही छोड़ दी। मुझे पसंद नहीं थी? नहीं नहीं, वो कोई और होगा। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, वो कोई और होगा। Sweet, never let me go, never let me go. Thank you, Zaki. Yara. मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये कुछ नहीं हुआ है, इतनी बड़ी चोट लगी हुई है, आंख फूट जाती, कोमा में चले जाते तो क्या होता? और क्या जरूरत थी अपनी मोहब्बत का इजहार करने की ठरकी बुड्ढों की तरह? ओह माय गॉड। दादा घर में अर्जेंट निकाह है, कुछ हो जाता फिर मैं मरती नहीं गया। नादिया, नादिया मरती नहीं गया, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आ गया, आइंदा अगर मरने मनाने की बात नहीं की ना तो मैं जान से मार दूंगी आपको, सुना आपने? जी जी, आपकी पोती जो ठहरी। अब यारा मान गई है, मैंने बेहोश होने से पहले सुना था, वो कह रही थी जकी आई विल मैरी। वेरी नाइस। अच्छा चलें, अब घर में इवेंट है तो अभी चलें, बस सब आने वाले। लो मैं तैयार होके आऊंगा, मैं खुद अब दुल्हन से कम तो रही। चलो जी, हाँ जी, मैंने भी चेंज करना है, कोई सूट चेंज करेंगे। ओह माय गॉड, ये सीधा करें इसको। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू ज़की, यू आर वेलकम। जहां जहानिया, तुमने मुझे जहानिया कहा ज़की? हाँ जहानिया। ओह माय गॉड, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। अरे सब किधर है? पिंकी, बाला, शीर, सब आ जाए पिक्चर के लिए। अबे आ जाओ आ जाओ। मोहब्बत करने वाले